शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 11 विभागों में 14,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भर्तियों की तैयारी करने वाले युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 11 विभागों में 14,000 पदों पर निकली है वैकेंसी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से बाड़मेर जिले में शिक्षा विभाग में खुली 2100 नए पदों की राह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नवसृजन विद्यालयों के क्रमोन्नत की घोषणा से सृजित होंगे नए पद। और वहीं 4.5 साल से लंबित थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर नए शिक्षा सत्र में हो सकते हैं। तबादले सरकार को निदेशालय ने भेजी 21 सूत्री गाइडलाइन। अगली खबर आ रही है, अजमेर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ परीक्षा 2022 संपन्न। अच्छा, बात करें जेडब्ल्यू एडवांस परीक्षा को लेकर, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान रहे, मैथ्स ने किया परेशान। सवालों की संख्या 108 से घटकर 102 तथा पूर्णांक 360। और वही राजस्थान बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। चिकित्सा विभाग में 7 कैडर के 16,919 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। वही नौदे में भर्ती 10 जून तक कर सकेंगे आवेदन। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बांसवाड़ा से देखिए अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर। सिद्धार्थ अकेडमी की तीसरी बार जांच, अधिकारियों ने माना 2021-22 और 22-23 की जांच अब तक संभव नहीं, कोर्स पूरा स्टूडेंट ही। और वही बात करें आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 की, तो दोस्तों बता दें कि उर्दू विज्ञान पंजाबी एवं गणित विषयों की मॉडल उत्तर कुंजिया जारी कर दी गई है और ऑनलाइन आपत्ति मांगी जा रही है। अभ्यर्थी सोमवार रात तक आपत्ति दे सकते हैं। आयोग ने 3 जून से ऑनलाइन आपत्ति लेना शुरू कर दिया है और 5 जून अंतिम। अच्छा, चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आरपीएससी को लेकर। देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 15,760 पदों की परीक्षा, वे 7 महीने से अधिक समय हुआ पर अब तक पूरी नहीं हो पाई भर्तियां। दोस्तों बता दें कि सेकंड ग्रेड के 9,760 पदों पर हुई परीक्षा अभी तक आंसर की जारी नहीं हो सकी है। और वही फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो काउंसलिंग इसी महीने शुरू हो सकती है। अगली खबर है पीटीटी परीक्षा 2023 को लेकर। दोस्तों बड़ी खबर है, 21 मई को प्रदेश भर के अंदर परीक्षा हुई थी और पीटीटी में परीक्षार्थी कर सकेंगे डेटा संशोधन। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के राजस्थान के शिक्षा जगत के समाचार। ऐसे ही वीडियोस और राजस्थान की आने वाली भर्तियों के बारे में जाने